मायरा ना एक नया शो होस्ट कर रही है और इसके बॉस चाहते हैं कि जो पहला एपिसोड हो उसमें कोहली कैंटीन ही कवर की जाए। तूने जब फोन किया था ना तो मैं किटी पार्टी में ही थी। फिर मैंने सोचा इन सबको भी ले आऊं शूटिंग दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच मायरा। तेरे कैमरामैन से कहना सबका शॉट ले ले। ऑफ कोर्स आप ये पीछे की सीट्स ऑक्यूपाई कर सकते हो और कैंटीन भी भरा भरा लगेगा। सॉर्टेड। कितनी स्मार्ट है। चल हम लोग बैठते हैं वहां पे। आइए। ओके आंटीज, एक और बार विदाउट एनी फंबल। ओके ओके ओके। एक्शन। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। Love you जिंदगी। जगह हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। मेरे हस्बैंड कर्नल कोहली का सपना थी ये जगह। बहुत लड़ झगड़ कर उन्होंने इस जगह को बचाया था। एक लोकल डॉन था जो इस जगह पर अपना कब्जा करना चाह रहा था। कर्नल साहब की लगन और प्यार है यहाँ। आर्मी से रिटायरमेंट लेने के बाद ये जगह ही उनके लिए सब कुछ थी। हर सैटरडे वो अपने पुराने दोस्तों को इनवाइट करते और पार्टियां ऑर्गेनाइज करते और अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाते उनको। वो भी क्या दिन थे। मतलब पुरानी बोरिंग रेसिपीज में नया ट्विस्ट लाना। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते। कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले हाँ, से पूरा 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 सपोर्ट है। वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं। जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते है मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर? बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू। Thank you.
तुम्हारी चोट देख रहा हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखनी है ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या? अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक? नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक का बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी आप